उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो होती है डी फार्मेसी। ठीक है जी, डी फार्म वाला बंदा डी फार्म का जो कैंडिडेट होता है वो एलिजिबल होता है हमारे यहाँ इंडिया में एज अ फार्मासिस्ट किसी भी सेक्टर में अप्लाई करने के लिए। और दूसरा भी जहाँ पे डी फार्म वाला बंदा एलिजिबल है, मतलब बी फार्म वाला बंदा वहां पे ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाता है। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ। उसके अलावा नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, वो भी बात कर लेते हैं। आप सबसे पहली बात देखिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो बंदा बीएसएफ फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करेगा, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है जो भी अप्लाई करेगा, वो लाइसेंस्ड होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, जरूरी नहीं है आपकी फार्मा कंप्लीट हो गई, लेकिन लाइसेंस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप होने चाहिए। आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन तो होना ही चाहिए, लाइसेंस भी इसमें मैंडेटरी होता है। जब आप बीएसएफ फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो भाई इसमें लाइसेंस भी मैंडेटरी होता है। वो क्यों होता है, इसके पीछे का कंसेप्ट तो मुझे भी समझ में नहीं आया। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस वही मेनली जो इसका एग्जाम होता है उसमें जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में 50% जो सिलेबस होता है वो कहाँ से आता है, फार्मा से आता है। ठीक है जी, जैसे कि आपके अगर मैं मेन सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो इसमें पीपीपी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी, ये तीन सब्जेक्ट हो जाते हैं जो कि मेन और मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स, आप सब जानते हैं। ये सब्जेक्ट्स अगर आपने प्रिपेयर कर लिए तो आप ऑलमोस्ट पूरा एग्जाम क्लियर कर लोगे, लेकिन ये सब्जेक्ट्स आपके टिप पे होने चाहिए। कोई भी फार्मासिस्ट का एग्जाम हो आप इजीली क्रैक कर लोगे। उसके अलावा 50% इसमें अलग से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 25% आता है इसमें जीके, जनरल नॉलेज हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके बाद फिजिकल अवेयरनेस हो गया, ये सारी चीजें आती है। ठीक है जी, 25% में, और बाकी के 25% में एचएपी, मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, थोड़ा सा अलग पैटर्न है जो बाकी के गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, फार्मासिस्ट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें इस तरीके का पैटर्न नहीं होता है एग्जाम का। जैसे कि जनरल नॉलेज यहाँ पे 25% आ गई, लेकिन उसमें मार्क्स में डिवाइड होता है कि भाई 10 नंबर का जीके आ जाएगा। ठीक है जी, 10 नंबर का अदर पोर्शन आ जाएगा, जैसे कि आपका रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, या फिर इसमें आपका आ जाता है इसमें आपका करंट अफेयर हो गया, ये सारी चीजें आ जाती हैं, है ना, 10 नंबर में। और बाकी के 10 मतलब ये 20 नंबर हो गए और 80 नंबर में फार्मा का आएगा। ठीक है जी, उसी में एचएपी भी कवर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है जो इसका क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर सिलेबस का पैटर्न की मैं बात करूँ तो 25% ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से आएगा, बिकॉज ह्यूमन की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको मस्ट होनी चाहिए कि इस पे आपकी ज्यादा पकड़ो। ह्यूमन की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में आपको सारी नॉलेज हो, जिससे कि अगर कोई भी ऐसा एक्सीडेंटल वहां पे कोई कुछ भी हो जाता है तो अगर एक डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है उस टाइम, तो उस टाइम आप उसे नॉर्मल जैसे कि जो फर्स्ट एड है वो नॉर्मली आप कर सके। तो ये सारी चीजें होती है। तो ये सिलेबस है, समझ में आ गया आपको बीएसएफ फार्मासिस्ट का सिलेबस कि मेनली सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल एबिलिटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एबिलिटी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो फिजिकल एबिलिटी में सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे रनिंग की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे 1.6 किलोमीटर फॉर मेल 7 मिनट। देखिए यहाँ पे टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो टाइमिंग आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि क्या क्या टाइमिंग यहाँ पे दी हुई है। सो यहाँ पे टाइमिंग दी हुई है 1.6 किलोमीटर फॉर मेल, ठीक है 7 मिनट में ये करनी है, क्लियर जी। ठीक है, उसके बाद 800 मीटर फॉर फीमेल इन 5 मिनट, राइट। उसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकेंड, नेक्स्ट जो है वो क्या होने वाला है भाई, यहाँ पे होने वाली है लॉन्ग जंप। ठीक है जी, लॉन्ग जंप कितनी होने वाली है, 11 फीट फॉर मेल, मेल के लिए कितनी होने वाली है जी, 11 फीट होने वाली है, और 8 फीट होने वाली है किसके लिए, फीमेल के लिए, 8 फीट होने वाली है फीमेल के लिए, चलिए ठीक है। उसके अलावा आ जाते हैं फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं हाई जंप में 3.5 फीट होने वाली है किसके लिए, मेल के लिए, और 2.5 फीट होने वाली है फीमेल के लिए। समझ में आ रहा है जी, सारी चीजें समझ में आई। सबसे पहले रनिंग के बारे में एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, 1.6 किलोमीटर फॉर मेल, 1.6 किलोमीटर फॉर मेल 7 मिनट यहाँ पे टाइम दिया है, उसके बाद 800 मीटर फॉर फीमेल और 5 मिनट यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं हाई जंप, हाई जंप में 11 फीट फॉर मेल, 11 फीट मेल के लिए, 8 फीट फीमेल के लिए। वहीं पे हाई जंप की अगर मैं बात करूं 3.5 फीट मेल के लिए और 2.5 फीट फीमेल के लिए, ये फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको फार्मासिस्ट के साथ साथ भाई सोल्जर भी बनना है, सो उसी तरीके से यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे फिजिकल फिटनेस में अगर मैं चेस्ट की बात करूं, सो जो नॉर्मल चेस्ट का साइज होगा वो 7
आएगा अग्निवीर के लिए, जो अग्निवीर योजना आई है अभी नई, उसके तहत फार्मासिस्ट की भर्ती जो होगी, क्या वो अग्निवीर के अंदर, अब तो जितनी भी भर्ती होगी वो अग्निवीर के अंदर ही होगी, मतलब उसके क्राइटेरिया के हिसाब से होगी, लेकिन क्या फार्मासिस्ट हो जो पैरामेडिकल के जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट होते हैं, वहां पे जितने भी बंदे होते हैं, ठीक है, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, कोई एएनएम वाला हो, कोई वहां पे नर्सिंग स्टाफ हो, कोई बोल सकते हैं मेडिकल स्टाफ से कोई भी हो, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या वो अग्निवीर की जो ये योजना है, जो सारी चीजें सोल्जर्स पे लागू हो रही है वो इन पे भी लागू होती है क्या, सारी चीजें एक वीडियो में इसके लिए डीप बनाने वाली, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स देखने को मिले, तो इसके लिए वीडियो बनाना जरूरी है, वो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है जी। सो ये सारी चीजें हो गई क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, नेक्स्ट सारी चीजें मुझे लगता है कि लगभग सारी चीजें हमने कवर कर ली है, इसमें यही सारी चीजें होती है। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो स्टार्टिंग सैलरी इसमें 30,000 से स्टार्ट हो जाती है सैलरी, और इसमें 50 to 55,000 तक इसमें सैलरी होती है, और इसकी वैकेंसी जो है जैसे ही वैकेंसी आएगी वैसे ही